वेलकम। कैंसर एक ऐसा शब्द है जिससे हम सभी डर जाते हैं, हम इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। आइए हम जानते हैं कि हम इससे क्या सावधानी लेकर के इससे हम बच सकते हैं। तो महिलाओं में जो कॉमन कैंसर होते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। ब्रेस्ट कैंसर ये बहुत कॉमन है। ब्रेस्ट कैंसर आमतौर पर किसी भी उम्र की महिला में हो सकता है। सो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इससे बचने के लिए हम कहते हैं कि आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सीख लें, अब अपने डॉक्टर से मिलें। आमतौर पे हॉस्पिटल्स में हम ऐसे ब्रोशर्स देते हैं, इसमें हम पेशेंट को सिखाते हैं कि आप अपना ब्रेस्ट कैसे एग्जामिन कर सकते हैं। एंड ये चीज हम कहते हैं कि हम हर महीने, जब आपका महीना आता है, महीना साफ होता है, उसके बाद में आप अपना ब्रेस्ट एग्जामिन खुद से करिए मिरर के सामने खड़े होकर। अगर कभी किसी को हर महीने अगर आप चेक करते हैं, तो अगर किसी को कोई भी छोटी सी गठान महसूस हो रही है, आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए, उनसे शेयर करिए। डॉक्टर आपको चेक करने के बाद में उसके हिसाब से कुछ टेस्ट कराएंगे और जरूरी उस हिसाब से इलाज किया जाएगा। पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप रेगुलर चेक कर रहे हैं तो छोटी से छोटी गठान भी आपको समझ में आ जाएगी। जैसा हम जानते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर कोई गठान हमें शुरुआती स्तर पे पता चल जाती है तो वो बहुत जल्दी ही उसका इलाज हो सकता है, बजाय इसके कि वो बहुत बढ़ करके सामने आए। आइए हम जानते हैं महिलाओं में जो दूसरा कॉमन कैंसर होता है वो है बच्चेदानी यानी कि यूट्रस का कैंसर। आमतौर पे अगर किसी महिला को मासिक की अनियमितता हो रही है तो उसे हॉस्पिटल जा करके डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर उनका एक सोनोग्राफी करके एंड अंदरूनी जाँच करके इसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए हमें ये करना है कि हर साल अगर हम महिला अपना एक टोटल यूएसजी एब्डोमेन पेल्विस करा ले और एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करें। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में यूट्रस एंड उसके अंदर की लेयर की जांच की जाती है। तो बच्चेदानी के कैंसर से बचने के लिए हर साल अगर महिला अपना एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करा लेती है तो उसमें बच्चेदानी और उसके अंदर की लेयर को देखा जा सकता है, जिससे कि काफी हद तक कैंसर से बचाव किया जा सकता है। बच्चेदानी का कैंसर आमतौर पे 40 के बाद की उम्र में ज्यादा देखा जाता है। और तीसरा जो बहुत कॉमन कैंसर है महिलाओं में वो है सर्वाइकल कैंसर, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं गर्भ ग्रीवा का कैंसर। ये एक बहुत कॉमन कैंसर है एंड आमतौर पे ये बहुत दुख की बात है कि ये बहुत बढ़ जाता है जब पता चलता है। एंड सबसे दुख की बात यह है कि इसकी जानकारी बहुत ईजिली हो सकती है बाय जस्ट डूइंग अ पैप स्मियर टेस्ट। पैप्समियर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें महिला के गर्भाशय के मुख से जो पानी निकलता है उसे पानी को ले लिया जाता है। ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है, इसमें बहुत ये महंगा टेस्ट भी नहीं है, इसकी रिपोर्ट भी एक ही दिन में आ जाती है। यह टेस्ट करके हमें कैंसर से बहुत पहले के स्टेजेस में जानकारी मिल जाती है कि भविष्य में कैंसर हो सकता है। अगर किसी महिला का टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो उसके हिसाब से जरूरी ट्रीटमेंट आगे लिया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पैप स्मियर एक ऐसा टेस्ट है जिसे महिलाओं में हर 3 साल में करके और हाई रिस्क पेशेंट्स में हर साल करके हम कैंसर को बहुत बहुत शुरुआती स्तर पर जांच करके पक्का कर सकते हैं, जिससे कि वो बीमारी बढ़े ही नहीं। चौथा कैंसर होता है ओवेरियन कैंसर। आमतौर पर ये बड़ी उम्र की महिलाओं में मिला जाता है जो कि 50 उम्र से ज्यादा होती है। इसका इंसिडेंस कम होता है। इसे भी जानने के लिए एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने पहले बताया गर्भाशय कैंसर से प्रिवेंशन के लिए, सेम वे ओवेरियन कैंसर से प्रिवेंशन के लिए हर साल एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करके हम कैंसर को बहुत शुरुआती स्तर पर जान सकते हैं। तो सर मैं सारी महिलाओं को कहना चाहूंगी कि आप अपना अच्छा ख्याल रखिए, वजन नॉर्मल रेंज में रखिए, कंट्रोल में रखिए, डाइट पर ध्यान दीजिए, फास्ट फूड बैड फूड अवॉइड करिए। जितना हेल्दी खाएंगे फ्रूट्स वेजिटेबल ड्राई फ्रूट्स उतना आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहिए, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए एंड आप रेगुलर डॉक्टर से मिल करके साल में एक बार इंटरनल चेकअप, पैप स्मियर, ट्रांसवेजन सोनोग्राफी कराइए, जिससे कि बहुत सारे कैंसर की जानकारी शुरू में ही मिल जाएगी। याद रखिए जब सिम्टम्स कैंसर के आएंगे तब तक बहुत लेट हो चुका है। बेहतर रहेगा रेगुलर डॉक्टर से साल में एक बार चेकअप कराएं। मैं आपके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ।